Students, in this lecture we will discuss the theorem number 6. The statement is, if y is equal to e to power ax into sine bx plus c, then yn is equal to a square plus b square ki whole power n by 2 into e to power ax into sine bx plus c plus n into tan inverse b by a. क्लियर, ये आपने प्रूफ करना है कि आपके पास ये y गिवन है, y इज इक्वल टू e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी. ये y आपको गिवन है, ठीक है. आपने उसका nth डेरिवेटिव निकालना है और ये प्रूफ करना है कि उसका nth डेरिवेटिव इसके इक्वल आ रहा है. इसको अब हम कैसे सोल्व करेंगे? बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिजल्ट n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे, फिर हम n इज इक्वल टू m के लिए अज्यूम करेंगे, ठीक है, फिर m प्लस 1 के लिए फिर से प्रूफ कर देंगे. क्लियर. तो सबसे पहले हमें जैसे कि गिवन है y इज इक्वल टू e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, ये हमें गिवन है. तो इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. वी गेट y1 इज y का डेरिवेटिव y1 बन गया, ठीक है, और साथ में इक्वल में क्या आ रहा है आपके पास, e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी आ रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगी. क्लियर. तो कैसे करा, e की पावर ए एक्स वैसे का वैसे आ गया इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, साइन का डेरिवेटिव कोस, ठीक है, कोस बी एक्स प्लस सी, साथ में बी एक्स प्लस सी तो आएगा, इंटू बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव. b के साथ क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो साथ में b आ गया, c आपका कांस्टेंट है, 0 बन गया. तो आपके पास पहली टर्म क्या बन गई, e की पावर ax एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू बी, प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा, साइन बी एक्स प्लस सी वैसे का वैसे इंटू e की पावर ax का डेरिवेटिव, e की पावर ax एक्स इंटू a, ये आपका डेरिवेटिव बन गया. क्लियर. अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल लेते हैं. क्लियर है. y1 इज इक्वल टू क्या बना, e की पावर ax एक्स इंटू ए इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये बन गया. अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पुट कर रहा हूँ कुछ, कि a को हमने क्या ले लिया, a इज इक्वल टू आर कोज अल्फ़ा ले लिया, और b को क्या ले लिया, r साइन अल्फ़ा, ठीक है. यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से लिया है, a को क्या ले लिया, r कोज अल्फ़ा, b को r साइन अल्फ़ा, ठीक है. अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, आर की वैल्यू क्या आएगी. जैसे कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, आर कोज अल्फा आ रही है, बी की वैल्यू आर साइन अल्फा आ रही है, तो हमें अगर इसकी स्केयरिंग करके ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, देखिए इसकी स्केयरिंग करें क्या बनेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर कोज स्केयर अल्फा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर अल्फा, ये बन जाएगा. दैट इंप्लाइज ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, ठीक है. यहाँ से आर स्केयर कॉमन क्या बच गया, कोस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा, वो कितना होता है, 1, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई, इसको यहाँ पे लिख दो सीधा, दिस इज इक्वल टू आर स्केयर. तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू क्या आ गया, आर स्केयर, ठीक है. तो यहाँ से आप r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, स्केयरिंग कर दो, स्केयर रूट ले लो बोथ साइड, तो r की वैल्यू आ जाएगी r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है, ये r की वैल्यू आ गई. अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. जैसे कि आपके पास a इज इक्वल टू r कोज अल्फ़ा है, b इज इक्वल टू r साइन अल्फ़ा है ना, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, जैसे b ओवर a इज इक्वल टू r साइन अल्फ़ा ओवर r कोज अल्फा, ठीक है, डिवाइड कर दिया, आर से आर कैंसल, तो बी ओवर ए इज इक्वल टू टैन अल्फा, ठीक है. अब टैन इनवर्स कर देते हैं बोथ साइड अप्लाई, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टैन इनवर्स बी बाय ए इज इक्वल टू अल्फा, तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई. क्लियर. ऐसे ही हमने क्या करा, आर की वैल्यू भी निकाल ली, आर की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रही है, और अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, टैन इनवर्स बी बाई ए आर. क्लियर है. तो देखिए यहाँ पे इनकी वैल्यू निकाली हुई है, आर की वैल्यू क्या आ रही है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है, टैन इनवर्स बी बाई ए. अब जो आपके पास ये वाई वन था ना, उसमें हमने ए की वैल्यू डाली और बी की वैल्यू डाली, हमने सिर्फ ए की वैल्यू कहाँ पर डाली है, इस यहाँ पर जो ए है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो बी है उस पर हमने ए और बी की वैल्यू डाली है. क्लियर. तो y1 इज इक्वल टू क्या बन गया, e की पावर ax इंटू आर कोज अल्फा
इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस आर साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें से आर कॉमन आ गया, क्लियर, आर कॉमन आ रहा है। तो आर कॉमन आने के बाद आपके पास बचा क्या है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, बी एक्स प्लस सी, और बी क्या है, अल्फ़ा, क्लियर। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये आपके पास वाई वन क्या बन गया, वाई वन इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फ़ा, डन। और नेक्स्ट स्टेप में हमने आर की वैल्यू डाल दी और अल्फ़ा की वैल्यू भी डाल दी, ठीक है। ये हमने जब वैल्यू डाली तो मेरे पास ये रिजल्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया फॉर एन इज इक्वल टू वन के लिए, ठीक है। जैसे कि ये क्या आ रहा है, वाई वन क्या आ रहा है, ई की पावर ए एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर वन बाई टू इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस वन लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे टैन इनवर्स बी बाई ए है, वहाँ पे वन लिख सकते हैं, वन इंटू टैन इनवर्स बी बाई ए, ठीक है। तो ये लिख दिया, क्लियर। तो ये जैसे कि हमने वाई एन क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई टू, ठीक है। जब हमने एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर वन बाई टू इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस वन इंटू टैन इनवर्स बी बाई ए। तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, तो मतलब ये रिजल्ट आपका क्या हो गया, एन इज इक्वल टू वन के लिए प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम। ये आपका रिजल्ट क्या है, एन इज इक्वल टू एम के लिए ट्रू आ रहा है, ये हमने लेट कर लिया। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, वाई एम इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की पावर एम बाई टू इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एम इंटू टेन इनवर्स बी बाई ए, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एम प्लस वन के लिए इस रिजल्ट को प्रूफ करना है, क्लियर। तो हम जो आपके पास इक्वेशन नंबर टू है इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, या हम सीधा वाई एम प्लस वन ले लेते हैं। तो वाई एम प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई एम, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स वाई एम, क्लियर। तो वाई एम की यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी, हम मतलब क्या कर रहे हैं, वाई एम का डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्लियर। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एम बाई टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एम टेन इनवर्स बी बाई ए, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एम बाई टू, ये कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, क्लियर। बचा क्या, ये बचेगा ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एम इंटू टेन इनवर्स बी बाई ए, ये बच गया। अब यहाँ पे यू इंटू वी लगेगी, ई की पावर ए एक्स वैसे का वैसे, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ठीक है, साथ में बी आ जाएगा क्योंकि अंदर आपके पास जो एंगल है वो क्या है, बी एक्स प्लस सी प्लस एम इंटू टेन इनवर्स बी बाई ए है, ठीक है। तो बी के साथ एक्स आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे बी आ जाएगा। नेक्स्ट साइन वैसे का वैसे आ जाएगा, अब ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर ए एक्स इंटू ए, क्लियर। अब ये बन गया आपके पास, ठीक है। यहाँ से जो कॉमन आ रहा था, यहाँ से हमने कॉमन निकाल दिया, क्या कॉमन आ रहा है, ई की पावर ए एक्स कॉमन आ रहा है, वो बाहर आ गया, ठीक है। बाहर ऑलरेडी आपका क्या पड़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एम बाई टू ऑलरेडी पड़ा, ठीक है, साथ में ई की पावर ए एक्स आ गया, डन। और अंदर क्या बच गया आपके पास, ए इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एम इंटू टेन इनवर्स बी बाई ए प्लस बी इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एम टेन इनवर्स बी बाई ए, ठीक है। अब जैसे कि आपने इक्वेशन यहाँ पे सोल्व करी थी, ए की वैल्यू क्या ली थी, आर कोज अल्फ़ा, बी की वैल्यू क्या ली थी, आर साइन अल्फ़ा, और आर की वैल्यू क्या आई थी, अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अल्फ़ा क्या आया, टेन इनवर्स बी बाई ए, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या करा, ए की वैल्यू पुट करी, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करी, जो यहाँ पे हमने लेट करी थी, ठीक है, ए की वैल्यू पुट करी और बी की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ से आर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी आपका क्या बन जाएगा, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एम बाई टू आ रहा था ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अगर हम आर इज इक्वल टू अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, इसकी स्केयरिंग कर दे बोथ साइड, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी डाल दी, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर की पावर एम बाई टू इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू आर कोज अल्फा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एम अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे टेन इनवर्स बी बाई ए की भी वैल्यू डाल रहे हैं, वो कितनी आ रही है, अल्फ़ा आ रही है, टेन इनवर्स बी बाई ए की वैल्यू भी डाल दी, वो भी क्या आ रही है, अल्फ़ा आ रही है, क्लियर।
नेक्स्ट यहाँ पे भी R बाहर आ जाएगा, ठीक है, R कॉमन निकल जाएगा और अंदर आपके पास फिर से वही फॉर्मूला बन गया साइन A प्लस बी का, ठीक है, और A आपका ये वाला एंगल हो जाएगा, B आपका अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी प्लस एम अल्फा प्लस अल्फा, ये आपका एंगल बन जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाने के बाद, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्या बन गया, आर स्क्वायर की पावर एम बाई टू आ रही थी ना, तो टू से टू कैंसिल हो गया तो आर की पावर एम बच गई, डन। तो आर की पावर एम इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू आर साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एम अल्फा प्लस अल्फा, ये आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाने के बाद ये बन जाएगा, क्लियर। अब आर की पावर ऐड हो जाएगी, आर की पावर एम प्लस वन इंटू ई की पावर ए एक्स, ठीक है, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एम प्लस वन इंटू अल्फा, ठीक है। अब फिर से हम आर की वैल्यू डाल देंगे और अल्फा की वैल्यू डाल देंगे, क्लियर। अब ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट ट्रू हो गया एन इज इक्वल टू एम प्लस वन के लिए, ठीक है। तो बाय इंडक्शन आपने क्या प्रूव कर दिया, फॉर ऑल एन के लिए ये रिजल्ट प्रूव कर दिया। टेन, नेक्स्ट देखिए थ्योरम नंबर सेवन, बिल्कुल सेम है जैसे हमने थ्योरम नंबर सिक्स अभी डिस्कस करी है। सेवन में क्या हो रहा है, साइन की जगह पे कोज आ रहा है, बाकी सारा कुछ सेम है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको फर्स्ट पार्ट करवा देता हूँ, इसमें वाई वन के लिए प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने आप इसको करोगे। एन इज इक्वल टू एम आप लेट करेंगे, फिर एम प्लस वन के लिए प्रूफ करेंगे। तो y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, ये गिवन है आपको, ठीक है। और इसका nth डेरिवेटिव आपने प्रूव करना है कि वाई एन इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की पावर n बाई टू इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन इंटू टेन इनवर्स बी बाई ए, ये आपने प्रूव करना, ठीक है। जैसे कि आपको y गिवन है, y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वाई वन आपका क्या आ जाएगा, e की पावर ए एक्स वैसे का वैसे, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, साथ में बी एक्स प्लस सी ये तो आएगा ही आएगा, और बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव बी, ठीक है, प्लस कोस बी एक्स प्लस सी वैसे का वैसे आ गया, और e की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव e की पावर ए एक्स इंटू ए, डन। अब नेक्स्ट आपका क्या बन गया, यहाँ पे y1 वन इज इक्वल टू e की पावर ए एक्स हमने कॉमन निकाल दिया, e की पावर ए एक्स इंटू ए, ये वाली टर्म को हमने पहले लिख दिया, a इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस बी इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब सेम हम जैसे हमने लास्ट थ्योरम में पुट करा था, यहाँ पे भी हम यहाँ पे पुट करेंगे, r को a को हम क्या ले रहे हैं, a इज इक्वल टू आर कोज अल्फ़ा, और b को क्या ले रहे हैं, r साइन अल्फ़ा, ठीक है। सेम हम इसकी स्केलिंग करके ऐड करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। r कितना आ रहा है, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अल्फ़ा कितना आ रहा है, टेन इनवर्स बी बाई ए, क्लियर। इसको हम इक्वेशन नंबर वन ले लेते हैं। अब वाई वन के अंदर हम ए की वैल्यू डाल देंगे, बी की वैल्यू डाल देंगे, ए की वैल्यू डाली आर कोज अल्फ़ा, बी की वैल्यू डाली आर साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पे आर कॉमन आ रहा आपका, आर बाहर आ गया, आर इंटू ई की पावर ए एक्स, अंदर आपका क्या बच गया, कोज अल्फ़ा कोज बी एक्स प्लस सी माइनस साइन अल्फ़ा साइन बी एक्स प्लस सी, ये किसका फॉर्मूला है, कोज ए प्लस बी का फॉर्मूला है। कोज ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोज ए कोज बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कोज ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा, ए आप क्या ले सकते हो, बी एक्स प्लस सी, और बी आप अल्फ़ा ले सकते हैं, ठीक है। तो कोज ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास क्या बना, वाई वन इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू कोज बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अब r की वैल्यू डाल दो और अल्फ़ा की वैल्यू भी डाल दो, ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया फॉर n इज इक्वल टू वन के लिए, ठीक है। जैसे कि वाई एन है ना, यहाँ पे n की वैल्यू वन डाल के देखना, ये वैल्यू r की बिल्कुल इसके इक्वल आएगी। तो ये आपका रिजल्ट क्या है, n इज इक्वल टू वन के लिए प्रूफ हो रहा है। नेक्स्ट हम n इज इक्वल टू m के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। n इज इक्वल टू m के लिए लेट करा तो वाई एम आपका क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर m बाई टू ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एम इंटू टेन इनवर्स बी बाई ए, ठीक है। नेक्स्ट हम y m प्लस वन के लिए प्रूफ करेंगे, n इज इक्वल टू m प्लस वन के लिए प्रूफ कर रहे हैं, तो मतलब y m प्लस वन निकालना आपने, तो y m प्लस वन इज इक्वल टू क्या होता है, डी वाई एम ओवर डी एक्स, ठीक है। तो वाई एम की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, ये वाई एम की वैल्यू डाली, उसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर से आपके पास जैसे थ्योरम नंबर सिक्स में करा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एम बाई टू, ये आपका कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, फिर यू इंटू वी लगेगी, ठीक है। तो बाकी कैलकुलेशन आप देख लेना, बिल्कुल सेम है। फिर हम जैसे फर्स्ट पार्ट पे हमने करा है ना,
ए की वैल्यू को पुट करेंगे आर कोज अल्फ़ा और बी की वैल्यू को पुट करेंगे आर साइन अल्फ़ा, ठीक है। फिर अल्फ़ा की वैल्यू भी पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा और एन इज इक्वल टू एम प्लस वन के लिए प्रूफ हो जाएगा। फिर मैथमेटिक इंडक्शन से फॉर ऑल एन के लिए आपका ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, या आप इसको नोट कर लो एग्जाम्पल वन को, ये आप अपने आप ट्राई करके देखना। यहाँ पे फंक्शंस गिवन है, फर्स्ट आपके पास वन बाय अंडरूट ए एक्स प्लस बी ये गिवन है, कोश ए एक्स गिवन है, लॉग एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, ठीक है, कोज हाइपरबोलिक ए एक्स, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कोज हाइपरबोलिक ए एक्स, क्लियर। थर्ड क्या है, लॉग एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। फोर्थ क्या है, साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स, इसका आपने nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ये फॉर्मूले बनाने हैं इसके भी आपने आगे, ठीक है, या आप अपने आप ट्राई करके देखना है इसको।